आज हम टेलीविजन जगत की उन दो हसीनाओं के बारे में बताएंगे जिन्होंने खुद काला जादू करने की बात को नेशनल टीवी पर कबूल किया है। पहली एक्ट्रेस कोई और नहीं बल्कि टेलीविजन की ईशिता यानी कि दिव्यांका त्रिपाठी हैं। वो दिव्यांका त्रिपाठी जिन्हें टेलीविजन की टॉप एक्ट्रेसेस में गिना जाता है, उन्होंने एक बार एक रियलिटी शो में इस बात का खुलासा किया था कि वो अपने पहले प्यार शरद के लिए इस हद तक पागल हो गई थी कि जब शरद और उनका ब्रेकअप हुआ तो दिव्यांका त्रिपाठी ने काला जादू का सहारा लेने की कोशिश की। जी हाँ, दिव्यांका ने काले जादू का सहारा लिया और शरद को वापस पाना चाहा। हालांकि उसी इंटरव्यू में दिव्यांका ने यह भी कहा था कि मुझे अब एहसास होता है कि मैं कितनी गलत थी, मैं उस वक्त कितनी डेस्पिरेट हो गई थी। मुझे अब एहसास होता है कि लोग हमारी जिंदगी में किसी वजह से ही जाते हैं। वहीं दूसरी हसीना कोई और नहीं बल्कि हाल ही में लॉकअप में दिखी पायल रोहतगी है। पायल जल्द ही रेसलर संग्राम सिंह से शादी करने वाली है। पायल ने शो लॉकअप में ही इस बात का खुलासा किया था कि जब उन्हें काम नहीं मिल रहा था तो पायल ने एक प्रोड्यूसर पर काला जादू करवाया था ताकि उन्हें काम मिल सके। पायल ने इस बात का भी खुलासा किया कि उन्हें वो काम नहीं मिला और उन्हें एहसास भी हुआ कि वो जिस रास्ते चल रही हैं वो गलत है। जी हाँ, ये टेलीविजन की वो दो हसीनाएं हैं जिन्होंने काले जादू का सहारा लेकर अपनी इच्छा को पूरा करना चाहा। जाते जाते ये जरूर कहेंगे कि मेहनत और कर्म से बढ़कर किसी भी इंसान को कुछ नहीं मिलता और दुनिया की कोई ताकत नहीं जो मेहनत और कर्म से ज्यादा किसी इंसान के हिस्से में कुछ लिख सके। फाइनल कॉट, न्यूज डेस्क।